My dear students, welcome you all once again. I, Jairam Dwivedi, Assistant Professor at IIT IIT Department, I welcome you all on behalf of SAI AIDS Group. Of Big Data. अब मेन चीज इसमें आती है कि बिग डेटा के टाइप्स क्या है, ठीक है ना। तो बिग डेटा के टाइप्स में देख लीजिए, मतलब डेटा तो जनरेट हो रहा है, यूज अमाउंट ऑफ डेटा तो जनरेट हो रहा है, बट उसके टाइप्स क्या है, कितने टाइप का डेटा जो है ना वो जनरेट हो रहा है। क्योंकि इससे पहले जब हमारे पास इतनी सोर्सेस नहीं थे डेटा को कलेक्ट करने का, ठीक है ना, तब हम इस टाइप के क्लासिफिकेशन नहीं किए थे अपने डेटा को। लेकिन हमारे पास अभी डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम डेटा को जनरेट कर रहे हैं, तो हमें अपने डेटा को क्लासिफाइड किया गया कि किस टाइप का डेटा जनरेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप्स के डेटा को बताया गया है, बिग डेटा को बताया गया है। एक है आपका स्ट्रक्चर डेटा, दूसरा है आपका सेमी स्ट्रक्चर डेटा, और तीसरा है अनस्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी जनरेट हो रहा है, लेकिन उसका रेशियो अभी स्ट्रक्चर्ड डेटा से थोड़ा सा कम है या बराबर अपन मान सकते हैं। अब देखिए इनके भी सोर्सेस हैं कि मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा कहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है स्ट्रक्चर डेटा, ये सबसे पुराना डेटा है। पुराने फॉर्मेट में जो भी हम डेटा कलेक्ट करते थे दैट इज योर स्ट्रक्चर डेटा। जैसे आप MySQL करते थे, बैंकिंग सेक्टर से जो भी डेटा आपका मिलता था वो भी स्ट्रक्चर डेटा होता था आपका। तो जो पहले हम रिकॉर्ड मेंटेन करते थे इन SQL, MySQL या रिलेशनल डेटाबेसेस में, दैट इज स्ट्रक्चर डेटा, जो जिसको भी हम रो एंड कॉलम में मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद आया आपका सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा में आपका टेक्स्ट वगैरह आ गया, कुछ इमेजेस वगैरह आ गई, तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा में देखिए यहाँ पे इसका सोर्स क्या रखा कि XML डेटा एंड JSON डेटा, यहाँ से भी जो भी डेटा जनरेट होता था दैट इज सेमी स्ट्रक्चर डेटा। ईमेल वगैरह जो भी करते थे दैट इज सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा इज अ डेटा दैट हैज नॉट बीन ऑर्गेनाइज इनटू अ स्पेशलाइज्ड रिपोजिटरी, मतलब कि हम इनको जो है ना कुछ प्रोसेस के बाद हम अपने ट्रेडिशनल डेटाबेसेस में हो सकता था कि कुछ अमाउंट ऑफ सेमी स्ट्रक्चर डेटा को एनालिसिस कर पाएँ, और कुछ अमाउंट ऑफ डेटा को हम नहीं कन्वर्ट कर पाते थे, तो उसको हम उस समय एनालिसिस नहीं कर पाते थे या उसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं रख पाते थे, उसके लिए हमें दूसरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा या जो अभी जनरेट हो रहा है सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया डेटा को हम बोले तो दैट इज अनस्ट्रक्चर डेटा। अब अनस्ट्रक्चर डेटा में सारी चीज़ें आ गई, वर्ड PDF, टेक्स्ट, लॉन्ग्स, जो भी आप करते हैं, मतलब एवरीथिंग। अगर हम किसी भी क्या बोले लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड जो भी हम कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी के हॉर्न की डेंसिटी अगर हमें चेक करनी है तो वो सारे डेटा, टेम्परेचर मेंटेन करना है, मतलब किसी भी रूम का टेम्परेचर देखना है आजकल ऑटोमेटिक सेंसर हम बोल सकते हैं, सेंसर डेटा, तो ये सारे डेटा जो है ना हम स्टोर कर रहे हैं दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, है ना। इनका कोई अभी फॉर्मेट नहीं है कि किस स्ट्रक्चर में ये आएंगे, तो इनको बनाने के लिए हम देखेंगे। तो हमारे पास देखिए जो टाइप्स ऑफ डेटा हो गए वो तीन तरीके के हो गए, एक हो गया स्ट्रक्चर डेटा, दूसरा हो गया सेमी स्ट्रक्चर डेटा, और तीसरा हो गया आपका अनस्ट्रक्चर डेटा। ओके, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रोकूंगा और आप लोगों से बात करना चाहूँगा, ठीक है। तो अब मुझे आप लोग बताइए भाई, ऑल ऑफ यू एंजॉयड द लेक्चर, थैंक यू।